और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो भाई आज की शुरुआत होने से, जो कि आज अपना भाई ऑफिस जाने का दिन है, तो ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं। थोड़ा यार लाइट का इशू है, तो लाइट यहाँ अभी आ नहीं रखी, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है। लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि आपको लाइटनिंग कैसे आ रही होगी, बट सही आई होगी आई थिंक, स्मार्ट लग रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट तैयार होके बैठा हूँ भाई, नई शर्ट पहनी हुई आज, तो काफ़ी हैंडसम लग रहा है यार। तो भाई होते हैं तैयार, बाकी का आपको दिखाता हूँ कि ऑफिस का भी कैसे है, कैसे जाना है, कैसे नहीं, क्या है कंपनी का सीन, तो थोड़ा व्यू कराता हूँ। तो छोटा ही व्लॉग होने वाला है थोड़ा, बाकी का बने रहिए, देखते हैं क्या रहता है। तो अभी मैं थोड़ा तैयार और हो लूँ, थोड़ा अच्छे से तैयार हो लूँ, पैंट वेंट सब डाल देता हूँ, फिर दिखाते हैं आपको। और बाकी तो सही है भाई, मज़ा आ रहा है बोलने में भाई। दिल्ली की गर्मी उमस वाली से बहुत दूर, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। कितना चेहरा खिल रहा है भाई, मोटा हो गया यार मैं, काफ़ी मोटा हो गया भाई, काफ़ी सही लग रहा हूँ यार, स्मार्ट तो आप देख ही रहा हूँ। बाकी का यही है, बाकी का एक बार कमेंट कर देना गाइस, कैसा लग रहा हूँ आज, तो मैं दिखाता हूँ पूरा, सही लग रहा हूँ यार, कमेंट कर देना गाइस। बाकी का भाई कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। बाकी का तो यार मुझे ऐसा लग रहा है भाई, मुझसे हम संवाद ले रहे, एक बार कमेंट कर देना भाई। बाकी का दिखाता हूँ आपको यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का व्यू, यहाँ का मौसम, सब कुछ, बाकी का बने रहिए। तो भाई अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं भाई, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, काफ़ी अच्छा मौसम है। आज बारिश बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल क्या, आज धूप भी आ गई थी, तो सही है। अपना ऑफिस का रास्ता ये रहा भाई, मतलब फुल ऑफ ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और वो रहा अपना फुजत्सु भाई। तो अपने घर से लगभग लाइक 1 किलोमीटर दूर है, और जो कि मतलब इतना आनंद आ रहा है जाने में, मतलब उसकी क्या ही अलग ही बात है, मतलब तो ऐसा चल रहा है, मतलब सही है, फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ वेदर, प्लेजेंट वेदर, ऑल गुड है भाई। ऐसे छोटे ठेले मिल जाएंगे देखने को, जो कि बड़े सही है भाई। इडली डोसा पता नहीं बहुत मिलता भाई यहाँ पर, बहुत हर 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 मतलब 2 कदम पे इडली डोसा है, हर 2 कदम पे। और मौसम तो बहुत लाजवाब है भाई, बहुत लाजवाब। ये अपना लेफ्ट साइड भाई कैप्चमिनी है शायद ये वाला, तो इसका भी मतलब लगभग बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब बहुत ही बड़ा है, तो जो कि एक सही है। ये रहा भाई ऑफिस कैप्चमिनी वालों का, बहुत बड़ा है भाई ये भी, मतलब अंदर से ऐसा है कि बंदा खो जाए। तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं फुजत्सु में, कि फुजत्सु का कैसा है कैसा नहीं है। बाकी का आनंद लेते हुए दीपांशु शर्मा फ्रॉम पुणे, आनंद आनंद ही आनंद है। दिल्ली की उमस से दूर, दिल्ली के पोल्यूशन भरे वातावरण से दूर, पुणे में साफ सिटी, क्लीन सिटी, मतलब रोड भी कितने साफ है, और कितना हरियाली दिख रही है ना, मतलब अलग ही है। ये है कैप्चमिनी का मेन गेट, जो कि ऐसा है, गेट नंबर 2, बहुत फैंटास्टिक है भाई, और एक्चुअल में बहुत बड़ा है कैप्चमिनी। तो बने रहो व्लॉग के साथ, अभी आपको फुजत्सु की भी एंट्री और कैंपस दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, तो बने रहो भाई। ये फुजत्सु का पहला चौक, और फुजत्सु हो रही बसेज वहाँ खड़ी है, वहाँ से लाइन शुरू होती है, और भाई फुजत्सु के बाहर है अपना, ये देख रहे हो भाई व्यू, देख रहे हो लोग, इतना गजब व्यू ना भाई, बादल देखो कितने क्लीन, ब्लूइश, वाइटिश, और ग्रीनरी देख रहे हो। अगर भाई तुम्हें जूम करके दिखाऊँ ना, सामने आगे ना पहाड़ है, वो सारे पहाड़ है भाई, बेसिकली मतलब फुल ऑफ ग्रीनरी है भाई, फुल ऑफ ग्रीनरी देख रहे हो। ये एटोस का ऑफिस है यहाँ पर, और बहुत सारे पीजी और वहाँ पे ऑफिस भी हैं, इस तरफ है, मतलब व्यू देख रहे हो भाई कितना है, यहाँ से जाने का कहाँ ही मन करेगा भाई।
मतलब सब कुछ यही है भाई, मतलब फुल फुल व्यू है भाई, व्यू एक नंबर का भाई। ग्रीनरी देख रहे हो तुम कितनी ग्रीनरी है, दिल्ली में सारे पेड़ मिलाने के बाद इतने बैठेंगे इसी एरिया ही रह के। ये लगा लो भाई, गाड़ियाँ आए जा रही हैं। और भाई अगर हम इस वाले रोड पे चले जाते हैं तो यहाँ पर महिंद्रा, स्कोडा, मर्सिडीज इन सब के जो प्लांट होते हैं ना वो सब हैं इस रोड पे। और ये फुजित्सु का ही स्पेशल रोड है भाई, ये फुजित्सु के लिए जाता है खाली बस, मतलब आगे से बंद गोल चक्कर है तो ऐसा है। तो फुजित्सु की गाड़ी खड़ी है, दिखाता हूँ आपको अपना ऑफिस टू आईपी टावर एंट्रेंस, चेकआउट कराता हूँ भाई, रोड क्रॉस कर लो एक बार ना, भीड़ बहुत है यहाँ पे भाई, बैक टू बैक चलता ही रहता है भाई। अपना फुजित्सु का मेन गेट है, पता नहीं यार मुझे एंट्री करने देंगे नहीं, मतलब वीडियो बनाने नहीं देंगे। और यहाँ पे टप दिया भाई सुट्टा का बाग, और फुजित्सु भाई इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा, वो एंड तक पूरा और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही। तो एंट्री करता हूँ, शायद बनाने नहीं देंगे वीडियो, तो करता हूँ भाई। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, पार्किंग इतना बड़ा है भाई, लगभग मतलब छुपन छुपाई खेले ना भाई तो ये लगा लो बंदा ढूंढ ही ना पाए ईमानदारी से, चार दिन तो उसको ढूंढने ढूंढने में लग जाएंगे। ये इधर ABC ब्लॉक करके भाई, और इधर अपना एवरिंग है, ये कैफेटेरिया भाई पूरा, बाहर भी सिटिंग होती है लेकिन बारिश के कारण इन्होंने भी हटा दिए। ये अपना कैफेटेरिया भाई, यहाँ फोन है अंदर, तो अपन को उसी के थ्रू जाना भाई, वहीं से जाएंगे। और ये अपना, ये दूसरा डिपार्टमेंट बैठता है ABC अपना, यहाँ भाई देख लो भाई छाते वाते कैसे रखे रहते हैं, मतलब फुल ऑफ जैपनीज कल्चर है भाई यहाँ पे। तो अपना भैया यहाँ जाएंगे और अपना एवरिंग में रखे बैठेंगे अंदर, तो शायद यार इंटरनेट अलाउड नहीं होगा बनाना वीडियो, तो यहीं से चेक इन कर लो भाई। मेरा आज थर्ड डे है यार यहाँ पर, तो आज ही मौका मिला है क्योंकि रोज़ाना तो बारिश हो जाती थी। और यहाँ पर ना आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, देखो ये साइकिल है ना, तो यहाँ पर आप साइकिल लेके अपना राउंड भी मार सकते हो। साइकिल भाई मस्त है, गियर वाली है भाई, हेलमेट वगैरह देंगे सब देंगे, तो वो सिस्टम होता है जो कि एक सही चीज़ भी है। बाकी अपने ये भाई यहाँ पर आ गए अपनी एफिंग में फुजित्सु, बहुत सही ऑफिस है यार, मतलब इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा।